ने पुलिस लाइन में यातायात माह का शुभारंभ कर दिया। वाहन रैली को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पुलिस लाइन के बहुउद्देशीय हॉल में पुलिस अधिकारियों ने तमाम सामाजिक संगठनों के साथ ही एनसीसी कैडेट और छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के पालन करने की शपथ दिलाई। यातायात माह में लोगों को यातायात नियमों का पाठ सिखाएंगे। यातायात माह के रूप में एक माह पूरा यातायात विशिष्ट कार्यों को डीजे राजीव कृष्ण ने सामाजिक संगठनों के साथ छात्राओं को यातायात नियमों के पालन करने की उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में राजभर के विरोध मंत्री सराहा है और ओम प्रकाश राजभर या उनके कारण होने वाली मौतें या उनके द्वारा कितने अच्छे से ये लोग होने वाले घायल हैं, ऐसी संख्याओं में कमी आए ये उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में जब आजम खान के विधानसभा सदस्यता इन्हीं प्राथमिकताओं और यातायात के अन्य नियम सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा ही बनाए गए हैं। इन नियमों के अधिकारी उनका बेटर एनफोर्समेंट नगरी आगरा में यातायात माह का शुरुआत यहां हो रही है। आप देख सकते हैं पुलिस लाइन पर ये एडीजी राजीव कृष्ण और डीआईजी नचिकेत झा और एसएसपी प्रभाकर चौधरी जी द्वारा यहां हरी झंडी दिखाकर यातायात सप्ताह का यह शुभारंभ किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये स्पर्श पूरे शहर में ये गाड़ियां भ्रमण करेंगी और लोगों को यातायात के जो नियम है उनका पाठ पढ़ाएंगी और यातायात के बारे में उनको जागरूक करेंगी। आप ये देख सकते हैं ये पूरी बाइक रैली पूरे शहर में भ्रमण करेगी और भ्रमण करने के साथ ही जिस तरीके से जो यातायात के नियमों के साथ जो दुर्घटना घटित होती है उनके बारे में अवेयरनेस करेगी और लगातार चौराहे पर ये पूरे शहर में भ्रमण करके चौराहे चौराहे पर ये कैंप लगाए जाएंगे जिसमें जो सामाजिक संगठन है उनका भी यहाँ सहयोग लिया जा रहा है और एनसीसी कैडेट्स भी यहाँ है और स्कूल के जो छात्र हैं स्कूली छात्रों को भी इस रैली में सम्मिलित किया गया है। पुलिस विभाग के जो सभी उच्च अधिकारी वो यहाँ मौजूद रहे और लगातार जिस तरीके से पहले उन्होंने एक शपथ ली कि यातायात नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ पहले समझाएंगे फिर उनके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से ये यातायात हफ्ता बनाया कहीं ना कहीं ये अवेयरनेस की जरूरत है। इंडिया न्यूज भी ये अपील करता है कि जिस तरीके से पुलिस ये प्रशासन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारे दर्शकों की भी ये जिम्मेदारी है कि अपने जीवन को स्वच्छ रखने के लिए अपने जीवन को स्वच्छ रखने के लिए और अपने जीवन के साथ खिलवाड़ न करने के लिए यातायात नियमों का पालन करते रहें। आगरा से मनोज चाहर, इंडिया न्यूज। यातायात माह का शुभारंभ आज देखिए किया गया है। हरी झंडी दिखाकर इस माह की शुरुआत हो चुकी है। एनसीसी कैडेट यहां पर शपथ दिलाते दिखे और इसी के साथ यहां पर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए प्रमुख बिंदुओं को लोगों के बीच में रखा जाएगा। रोड सेफ्टी का ध्यान लोग रखें और हादसे ना हो, इसी के लिए माह का शुभारंभ।